राजधानी लखनऊ के कांग्रेस मुख्यालय पर प्रयागराज के करछना ब्लॉक के समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक व समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री उज्जवल रमन सिंह ने आज कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के सदस्यता ग्रहण की। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, आराधना नेता मोना शुक्ला, यूपी प्रभारी अविनाश पांडे भी पार्टी ऑफिस में मौजूद रहे। बता दें, प्रयागराज ही नहीं बल्कि दिल्ली अपना और अपने क्षेत्र का झंडा बुलंद करने वाले नेता समाजवादी पार्टी के पूर्व लोकसभा सांसद कुंवर रेवती रमन के पुत्र उज्जवल रमन सिंह रेवती रमन समाजवादी पार्टी की स्थापना से ही जुड़े हुए हैं। यही कारण है समाजवादी पार्टी प्रयागराज में एक मजबूत पार्टी मानी जाती है। लखनऊ पहुंचने से पहले हजारों के समर्थकों के साथ अपनी गाड़ी के काफिले पर सवार होकर समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री उज्जवल रमन सिंह कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, कांग्रेस का दामन थाम लिया है। अभी संघर्ष का समय है, अभी मेहनत करने का समय है और जितनी हम मेहनत कर ले जाएंगे उसी का नतीजा 4 जून को आएगा। तो अभी मेहनत की बात करिए, अभी लड़ाई लड़ने की बात करिए, संघर्षों की बात करिए, अभी भाषण देने की भी बहुत आवश्यकता नहीं है। अभी आवश्यकता है काम करने की। और जो बहादुर साथी आज हमारे साथ आए हैं, निसंदेह मैं कहना चाहता हूँ उन्होंने बहादुरी से पिछले 50 सालों में बाबूजी के कुंवर रेवती रमन सिंह जी के राजनीतिक सफर के हर मुकाम पर उन्होंने साथ दिया है, सहयोग दिया है और आशीर्वाद दिया है। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि उनका आशीर्वाद भी मुझे मिलता रहेगा और उसी के बदौलत इस लड़ाई को हम आगे लड़ सकेंगे। और इसी के साथ मैं कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का अंत में आभार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि इस लड़ाई का नेतृत्व मैं कर सकूं। बहुत बहुत आभार माननीय सिंह जी, प्रभारी जी, सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के सम्मानित वरिष्ठ जन, पत्रकार साथियों, आज मुझे इस बात की खुशी है कि भाई उज्जवल रमन सिंह जी मेरी जन्मस्थली प्रयागराज के मेरे भाई आज कांग्रेस परिवार में शामिल हो रहे हैं। इनके हम और ये तो दूसरी पीढ़ी के, मेरे पिता आदरणीय प्रमोद तिवारी जी और आपके पिता कुंवर रेवती रमन सिंह जी, इनका एक लंबा राजनीतिक संबंध भी था, पारिवारिक संबंध भी रहा है। और मुझे खुशी है कि आज इस मंच से मुझे और भाई उज्जवल रमन सिंह जी को इस परंपरा को आगे ले जाने का हम दोनों को मौका मिला है। मैं उज्जवल रमन सिंह जी का कांग्रेस परिवार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक बड़ी विरासत लेकर के आदरणीय लोहिया जी से लेकर के मुलायम सिंह जी यादव तक की विरासत को, एक विचारधारा को लेकर के इनका परिवार आगे बढ़ा और हमेशा से सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक अपनी जगह था, सामाजिक स्तर पर कभी विचारधारा में समझौता नहीं। आज गठबंधन का जो एक बृहद समूह पूरे देश में खड़ा हुआ है उसको मजबूत बनाने के लिए एक स्तंभ के रूप में प्रयागराज की धरती पर एक नई इबारत लिखी जाएगी, इसका मुझे विश्वास है। कांग्रेस पार्टी की ओर से, विधानमंडल की ओर से भाई उज्जवल रमन सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय अविनाश पांडे जी, जो आज विशेष रूप से लखनऊ में यहाँ पर हैं, 2 दिन से, कल भी थे आज भी हैं, और हमारे सीएमपी की नेता, कांग्रेस विधानमंडल की नेता राधा मिश्रा मोना जी, और यहाँ उपस्थित हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक शुक्ला जी, यहाँ उपस्थित मनीष जी, हमारे दिनेश सिंह जी, आप दिनेश जी बैठिए, आपकी खड़े क्यों, आदरणीय दिनेश जी जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हमारे छात्र रहे हैं और यहाँ हमारे प्रशासन के इंचार्ज है, वहां से उपाध्यक्ष, और यहाँ मीडिया के हमारे मनीष जी हैं, पाठक जी हैं, अंशु जी हैं, सचिन हैं, और सभी हमारे सम्मानित साथी हैं, और जो
और सबसे महत्वपूर्ण दिन है कि आज हम सबके वरिष्ठ नेता आदरणीय कुंवर रेती रमन सिंह जी के सुपुत्र उज्ज्वल रमन सिंह जी वहां प्रस्तुत है, जो कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। साथ में पूर्व विधायक हैं और पूर्व विधायक से और बहुत बड़ी हस्ती है निश्चित तौर से, जिनके परिवार का दशकों कई दशक तक इस उत्तर प्रदेश और इस पूर्वांचल पे पूरा दबदबा रहा, पूरा आज भी है। और आज अपने पूरे भाई साथी परिवार के साथ आज यहाँ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता के साथ खड़े रहेंगे। बगल में टंडन जी हैं और तमाम साथी जो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, सबका स्वागत करता हूं। मैं आदरणीय प्रभारी महोदय से निवेदन करूंगा कि आप इनको सदस्यता